तो आपको शाम को पता चल ही जाएगा कि जुलझना किसको कहते हैं। प्यास के लिए शेयरर्स हैं, इतने बड़े बड़े आदमी खड़े हुए हैं जुलझना देखने के लिए। 8 पे मुहर्रम का जुलूस दिखाना, तो ये होता है जुलझना। दो घंटे के शाम भी आंखों के आंसू देख सकते हो। बर्फ नीचे खत्म हो गई, आपके हम लोग मन्नतें वगैरह जो इनका हाथ लगाना है वो सब अपने स्नैपचैट से वो वीडियो फुटेज मैंने बनाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी विनिश नुमान। आज है हमारे 90 डेज चैलेंज का डे 07। 7 दिन गुजर चुके हैं और 7 दिन से मैं लगातार ब्लॉगिंग कर रही हूँ ओनली फॉर यू, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। दैट्स वाई मैं आज अपनी ब्लॉगिंग को अभी तक कंटिन्यू रख पा रही हूँ। आज हमारा डे 7 है और आज हमारा मुहर्रम भी आज 07 ही है और आज निकलने वाला जुलूस, यहाँ से निकलेंगे जुलझना। अगर आपको पता है जुलझना क्या चीज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं पता तो आपको शाम को पता चल ही जाएगा कि जुलझना किसको कहते हैं। अब मुझे भूख लग रही है, अब नाश्ते का टाइम है, नाश्ता करके फिर आपसे बात करते हैं। ये रहे हमारे नान, ये ले जनाब, ये है हमारा नाश्ता सुबह का, अब हम करने जा रहे हैं। चलो पापा जी, नमाज मैंने पढ़ ली हुई है, अब हमारा इरादा है कि हम अपनी जाए नमाज को ना धो लें आज, क्योंकि मुझे थोड़ी सी गंदी लग रही है, मैंने कब से इसको धोया नहीं हुआ, तो आज हम इसको वॉश करने वाली हैं अपनी जाए नमाज को, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। मेरी जाए नमाज इतनी माशाल्लाह बड़ी, अब इसको हम आज धोएंगे। अब हमने जाओ हम सर्फ में रखते हैं थोड़ी देर, उसके बाद इसको निकालेंगे तो इसकी सारी मैल निकल जाएगी। ये काम भी हमारे लिए होते हैं, हमने करने होते हैं। प्यास के बारे में मेरा फरमान है, प्यास के लिए शेयरर्स हैं, मौत तो सिर्फ नाम से बदनाम है, मौत तो सिर्फ नाम से बदनाम है, सही दर्द तो ये प्यास देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो जी, ये हमारे शाह जी हैं, ठीक है, ये जैसे मुहर्रम आते हैं ये हमारे वाले साहब शाह बन जाते हैं। दो घंटे के शाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आई एम डन, प्याज मैंने काट लिया हुआ है। आई होप कि आप मेरी आंखों के आंसू देख सकते हो, ठीक है। यही कह दूँ जी, असल दुख जो है ना वो प्यास देता है। ज़िंदगी कुछ नहीं कहती और ना मौत कुछ कहती है, ये प्यास ऐसे ही दुश्मन हमारी जान का। ये देखो जनाब, आज हमारे नीचे न्याज है दूध की, बर्फ़ नीचे ख़त्म हो गई, आपके पास हैं? बर्फ है पर ना निकल, हम ट्राई मारे शायद हमसे निकल गया। वो सारा जो जो ना बर्फ देखती हूँ मैं, अगर निकलती है तो मैं ट्राई करती हूँ, शायद मेरे से बर्फ़ खुल जाए। हम बर्फ़ लेके नीचे जा रहे दूध की बांटने के लिए। ये हमारे छुटकू से देख रहे हैं, जुना कहाँ देख रहे हो? घोड़े नहीं, जुलझना कहते हैं। इतने बड़े बड़े आदमी खड़े हुए हैं जुलझना देखने के लिए। नहीं बेटा,
चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोग मन्नत वगैरह जो इनका हाथ लगाना है वो सब करके अभी इसको इनको आगे भेज रहे हैं। पुलिस फोर्स है, ठीक है। और तो ये होता है जुलझना। हज़रत हुसैन जो उनका घोड़ा था, उनके घोड़े का नाम जो है ना वो जुलझना उन्हें कहा जाता था। जो कि घोड़ा था हमारे हज़रत हुसैन का, उसकी शबी के तौर पे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई जाती है। जैसे हज़रत असकर की शबी के तौर पे झूला था, वैसे ही हज़रत हुसैन की शबी के तौर पे यहाँ पे जुलझना होता है। तो बेसिकली एक उनके घोड़े का नाम जुलझना था, दैट्स वाई यहाँ पे इस जगह पे हम यहाँ पे घोड़े को घोड़ा नहीं कह सकते, यहाँ पे हमें उसको जुलझना कहना है कि वो जुलझना है। एंड यू नो कि लास्ट मोमेंट जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और जुलूस आ गया था, और उसी टाइम एग्जैक्टली मेरे मोबाइल की जो मेमोरी है ना वो फुल हो गई थी, और वो कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, और उधर से वो जुलूस आ रहा था, और बेसिकली मेरा कंटेंट आज का वही था भाई, मैंने जुलझना की वीडियो बनानी है। एक गुजर गया था क्योंकि मुझे पता नहीं चला, हमारी नीचे न्याज थी, आपको पता दूध की न्याज थी, तो वो बांटने के चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला कि बाहर से जो एक जुलूस है वो गुजर चुका है। जब मैं गई तो ऊपर ना खिड़की में लोग खड़े हुए थे, मैं खिड़की पर क्यों खड़े हुए, मैं कहा अभी तो काफ़ी टाइम आने, मैं कहते नहीं एक तो गुजर भी गया। ओ माय गॉड, तब मैं बराबर भागी, मैं कहा अल्लाह, मैं कहा मैंने तो वीडियो बनानी थी। तब जाके मैंने तकरीबन घंटा मजीद और वेट किया खिड़की के पास बैठी रही कि मैंने वीडियो बनानी है जस्ट ओनली फॉर यू गाइस, आप लोगों के लिए। मैं एक घंटा, ऊपर से मेरा पंखा भी ख़राब हुआ हुआ था, तो उस एक घंटा मैं इतनी उसमें बैठी हूँ ना गर्मी में, और देन वो आया और मेरी मेमोरी फुल हो गई, मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो मुझे सब याद आया कि हाँ मेरे पास एक स्नैपचैट भी है। तो देन मैंने स्नैपचैट से वो वीडियो फुटेज मैंने बनाई कि वहाँ से जो है ना वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। स्नैपचैट का एक अलग मेमोरी बेस होता है, स्पेस होती है, वहाँ पे सब काउंट होता है, तो मैंने फटाफट से वहाँ पे बनाई मेमोरी और फिर मैंने इस ब्लॉग में शामिल किया। देखो कितनी मेहनत करती हूँ मैं, फटाफट से इसी बात पे लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। यस, अब हमारे डिनर का टाइम हो गया है, और डिनर मेरा बहुत लेट हो रहा है, कब का बना हुआ था, लेकिन अभी मैं खा रही हूँ क्योंकि मैं मूवी देख रही थी, और मूवी के चक्कर में मेरा खाना भी लेट हो गया, खाना खाने लग गया, खाना खा के और देन दोबारा से मूवी स्टार्ट करें। ये है मेरा खाना, सिंपल सा, ठीक है। मैंने खाना खा लिया है, नाश्ता भी कर लिया, आपको मैंने जुलझना भी दिखा दिया कि क्या होता है जुलझना और क्या कॉन्सेप्ट, हर चीज़ मैंने आपको बता दी हुई है। तो यहीं पे हम अपने ब्लॉग को आज एंड करते हैं, कल हमारा ब्लॉग होने वाला है, हमारी न्याज है 8वें मुहर्रम की, वो होगा, और 8वें मुहर्रम का जुलूस दिखाना मैंने आपको 8वें मुहर्रम का, ठीक है। और मेरे हस्बैंड कल फिर वापस आ रहे हैं, यह ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।